आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितनी प्रकार की होती हैं और बेसिक उसमें से भी हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। दो टाइप की होती हैं फोर्सेस, एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो होती हैं जिसके लिए हमें कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, यानी टच करना पड़ता है चीज़ को, तब हम उस फोर्स को अप्लाई करते हैं। नॉन कॉन्टैक्ट जो बिना टच करे ही मतलब फोर्स लग जाए उसको नॉन कॉन्टैक्ट बोलते हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसमें हम बात करेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं जिसमें हमें कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है, और वो दो होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे आराम से आज के टॉपिक में। और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या होती है और उसको अप्लाई करने के तीन तरीके क्या होते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस लिखना शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस दे रिक्वायर कॉन्टैक्ट। सिंपल सा मतलब कोई डेफिनेशन नहीं है, बस हम डायरेक्ट उन दोनों पे आएंगे और इसमें तो बता दूँ कि दे रिक्वायर कॉन्टैक्ट, इनको कॉन्टैक्ट बनाना पड़ता है फोर्स अप्लाई होने के लिए। इसमें दो टाइप की फोर्स होती है और उन दोनों को ही कॉन्टैक्ट की जरूरत पड़ती है, बिना कॉन्टैक्ट के वो अप्लाई ही नहीं हो सकते। इसमें पहला है क्लास मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या होती है? जो हम अपने मसल्स के द्वारा अप्लाई करते हैं, मसल्स के द्वारा यानी कि बॉल को किक करना, किसी को पंच करना, ये सब हमारी मसल्स के द्वारा एक्टिविटी होती है ना। जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसको पकड़ के लिख रहा हूँ, तो ये भी मसल्स के द्वारा, मेरे मसल्स के द्वारा ये फोर्स लग रही है, तभी तो पेन चल रहा है ये। तो ये बिना कॉन्टैक्ट के मैं नहीं कर सकता कि मैं इसको बोलूँ और ये सारा लिख दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। मस्कुलर फोर्स जो एक, इसमें से दो टाइप की फोर्स है, कॉन्टैक्ट उसमें से पहला है। मस्कुलर फोर्स की डेफिनेशन है द फोर्स विच अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ अवर बॉडी। बेसिकली क्या, हमारी बॉडी की मसल्स द्वारा जो फोर्स अप्लाई होती है उसी को मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, और ये कॉन्टैक्ट में होती है, बिना कॉन्टैक्ट के पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब देखो क्लास, एग्जांपल से समझो। जैसे एग्जांपल है हमारा रोहन किक्स अ बॉल। रोहन ने क्या किया, एक बॉल को किक किया, यानी लेट्स से ये हमारी बॉल है मान लेते हैं, और ये रोहन का पैर है, महंगे वाला पैर आ गया, रोहन्स फुट मान लेते हैं। ये क्या है, अब रोहन इसको किक करेगा, यानी मसल्स, इसमें क्या मसल है ना, इसमें पैर में मसल्स उसकी बॉडी की मसल द्वारा जो फोर्स जनरेट हो रही है उससे किक कर रहे हैं, बॉल में मूवमेंट आ रही है बिल्कुल आ रही है, ठीक है। तो ये जो मस्कुलर फोर्स होती है इसमें बेसिकली होता ये है कि ये मसल्स के द्वारा अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल समवन पंच समवन, यानी किसी ने किसी को मुक्का मारा, समवन पंच समवन, किसी ने किसी को मुक्का मार दिया, पंच का मतलब मुक्का मारा। तो ये एक बंदा है, ये दूसरा बंदे ने क्या किया, इसको मुक्का मार दिया, यहाँ पे मस्कुलर फोर्स से इसको मारा दूसरे को। ऐसा तो है नहीं कि मसल से अप्लाई करेंगे फोर्स और यूँ दूर से मारेंगे, कोई साउथ इंडियन पिक्चर तो है नहीं। तो जब तक कॉन्टैक्ट नहीं बनेगा फोर्स अप्लाई थोड़ी होगी, है ना। तो इसमें क्या होता है, कॉन्टैक्ट बहुत ज़रूरी होता है मस्कुलर फोर्स में, तभी ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज में आती है, बिना कॉन्टैक्ट के मस्कुलर फोर्स कभी काम ही नहीं कर सकती। ये है तुम्हारा पहला मस्कुलर फोर्स का पॉइंट। अब दूसरी ऐसी कौन सी कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसकी हम बात करेंगे, इसको मिटा देते हैं सारा, देख लो एक बार। ये मस्कुलर फोर्स है, अब दूसरी फोर्स के बारे में बात करते हैं कि दूसरी कौन सी होती है जो कॉन्टैक्ट में रह के काम करती है। दो ही टाइप की फोर्सेज होती है, एक मस्कुलर और दूसरी जो भी मैं लिखने वाला हूँ। दूसरी फोर्स है क्लास फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में पता है, जो धरती लगाती है हमारे हर फोर्स का अगेंस्ट जो काम करती है, फ्रिक्शनल फोर्स जो हमें ज़मीन से लगता है, फ्रिक्शन जिसकी वजह से गाड़ी के टायर घिस जाते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फोर्स is applied by the friction of earth,
जो धरती का फ्रिक्शन है ना, उससे ही अप्लाई होता है हर चीज़ पे, होता ही है। और ये भी कॉन्टेक्ट में होके ही होता है, बिना कॉन्टेक्ट के इसका काम भी नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, वही रोहन ने क्या किया, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका। रोहन ने क्या किया, रोहन अगेन किक्स अ बॉल, किक्स अ बॉल। अब देखो क्लास, किक करने के लिए हम जानते हैं मस्कुलर फोर्स लगेगी, जो कि कॉन्टेक्ट फोर्स है, हमें मालूम है, पता ही है पहले से, ठीक है। ये हमारी बॉल है, रोहन ने क्या किया, इसको किक कर दिया, अपने खूबसूरत पैरों से किक कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं। अब ये बॉल यहाँ पे मूवमेंट में आएगी, क्योंकि इसमें फोर्स लगी हुई है, और न्यूटन का लॉ भी तो यही कहता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगी हो तो बॉल मूवमेंट में आ जाएगी। अगर अब बॉल आ गई मूवमेंट में यहाँ से, तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉल हमेशा को चलती ही जाएगी, ये बॉल रुकेगी, क्योंकि इसके अपोजिट एक और फोर्स काम कर रही है हर सेकेंड, वो है फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ अर्थ, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमेशा काम करती है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्टैक्ट में होता है तो ये हमेशा उसके अगेंस्ट काम करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम नई नई चप्पल खरीदते हैं, ये चप्पल होती है, चप्पल के नीचे ऐसे चप्पल जूते वगैरह कोई भी चीज़ हो गई, उन स्लीपर्स के नीचे ऐसे ऐसे डिज़ाइन बने होते हैं, वो डिज़ाइन बेसिकली करते क्या है हमारे लिए, जब वो डिज़ाइन बने हुए होते हैं तब अच्छे से फ्रिक्शन काम करता है। हम बारिश में भी चले जाए नई चप्पल को पहन के तो कभी कोई दिक्कत नहीं होती है ना, लेकिन अगर यही पुरानी हो जाए, ये जिसमें ये डिज़ाइंस ख़त्म हो जाएं, डिज़ाइंस बेसिकली सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, ये फ्रिक्शन को ज़्यादा करने के लिए होते हैं। और मान लो यहीं ये प्लेन हो गई, तो यहाँ पे स्लिप होने का ख़तरा तुम्हारा ज़्यादा बढ़ जाएगा, और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा काम करती है, और फ्रिक्शनल फोर्स जैसे नई चप्पल पे फोर्स लगती रहेगी, हम चलते रहेंगे तो वो धीरे धीरे इसको ऐसे घिसती रहेगी, और एक टाइम पे इसको भी स्मूथ बना देगी फ्रिक्शनल फोर्स। और ये भी कॉन्टैक्ट में होके ही लगती है, बिना कॉन्टैक्ट में ये भी नहीं लगती। दो टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी, एक हमारी फ्रिक्शनल फोर्स और एक मस्कुलर फोर्स, और ये दोनों की दोनों कॉन्टैक्ट के बगैर नहीं काम कर सकती, और सिर्फ दो ही फोर्सेस हैं, दैट्स इट।